हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज एक नया वीडियो लेके दोस्तों। ये वीडियो चाय पत्ती का बिजनेस जो मेरा पहला वीडियो था उसका पार्ट टू है, क्योंकि पहला वीडियो में आप सबने बहुत प्यार दिया और बहुत सारा इंक्वायरी था आप लोग का, जिसने जिसने देखा मेरा पहला वीडियो चाय पत्ती का बिजनेस, और इसलिए मैंने पार्ट टू बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरा जो आप लोग का जो कंक्लूजन था पूरा समझने के लिए मैंने पार्ट टू बनाया। दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, स्किप मत करना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये भारत चाय का उत्पादक देश है, इधर चाय की खेती होती है और इजीली सप्लायर मिलता है, कस्टमर बहुत है। आप देखिए हर एक गली मोहल्ला रोड मुख हाईवे गली गली का गली कहीं भी जाइए चारों तरफ चाय का दुकान मिलेगा, हर जगह चाय का दुकान मिलेगा आपको। तो चाय का दुकान चाय इतना लोकप्रिय है, हर आदमी पीता है, इसलिए इसका लोकप्रियता ज़्यादा है। कहीं भी चाय कुछ रहे ना रहे चाय जरूर रहेगा, हर एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेके छोटा फुटपाथ तक हर कोई चाय बेचता है। तो ये बिजनेस बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बिजनेस शुरू करने के लिए जो कैपिटल है आपका उतना ज़्यादा नहीं लगता है, आप 2000 से भी शुरू करते हैं। एक्चुअली ये चाय का बिजनेस सबके लिए है, जो करोड़पति है उनके लिए भी है, वो बड़ा बड़ा टी गार्डन खरीद के या लीज लेके चाय का बिजनेस शुरू कर सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो 2000 से भी शुरू कर सकता है। अगर उतना भी नहीं है, कम से कम 5 किलो 10 किलो का चाय खरीद के वो भी बिजनेस शुरू स्टार्टिंग कर सकता है। अब शुरू जिस मेरा वीडियो है उनके लिए जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा का प्रॉब्लम है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये, क्योंकि उनके लिए शुरू करना बहुत आसान है। आपके पास होना चाहिए ये मशीन वेट करने के लिए, और सीलिंग मशीन जो है पैकेट सिलने के लिए, बस ये दोनों मशीन होगा तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं भी है आपके पास, अगर नहीं खरीदना चाहते तब भी आप शुरू कर सकते हैं। कैसे कैसे आप दुकान से या होलसेलर से आप 5 किलो या 10 किलो चाय आप उधर से ही पैक करा के आप या पैक अब जो फूड प्रोसेसिंग का जो पाउच है और पाउच में गार्डर लगा के भी आप बेच सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीलिंग मशीन में आप बंद करके आप बेचें। तो मेरा पिछला वीडियो में बहुत दोस्तों ने कमेंट करके पूछा कि चाय परचेस कैसे करें, चाय का क्वालिटी कैसे चेक करें, पैकेजिंग कैसे करें, पाउच कहाँ से खरीदें, सेल कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैंने ये वीडियो बनाया पार्ट टू। दोस्तों सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको शुरुआत में। प्राइमरी और सेकेंडरी चाय क्या है मैं वो बताऊँगा वीडियो में, प्राइमरी ग्रेड बताऊँगा चाय का, जो अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग साइज़ का जो ग्रेड आता है वो बताऊँगा मैंने। जी कैसे परचेस करने का तरीका, आप क्या देख के क्या कैसे समझेंगे कि आप चाय कौन सी क्वालिटी का है, क्या समझ के आप परचेस करने का तरीका बताऊंगा मैं, और सीलिंग और पैकिंग करके करने का तरीका और मार्केटिंग करने का तरीका मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए दोस्तों आप स्किप मत कीजिए, पूरा कंटिन्यू देखिए वीडियो, आपको अच्छा लगेगा और आपका बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, अच्छा कोई इंक्वायरी रहे तो कमेंट करना, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। और अगर बिजनेस के लिए कलकत्ता आना चाहते तो मैं कलकत्ता से भी आपको मदद हेल्प कर दूंगा, कहाँ से ख़रीदना है, अगर माल अदर स्टेट में हो कहीं भी हैं आप तो माल अगर परचेस भी करना है तो मैं वो भी हेल्प कर सकता हूँ आपको। तो दोस्तों मेरा वीडियो ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो देखना, हमारा पहला वाला वीडियो देखना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ट्रेड लाइसेंस के लिए दोस्तों आपका म्यूनसिपैलिटी ऑफिस या आप कॉरपोरेशन एरिया में है तो कॉरपोरेशन, या विलेज एरिया में है तो ब्लॉक ऑफिस में जाके ट्रेड लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपका अगर बिजनेस का नाम से आप शुरू करना चाहते हैं बिजनेस का नाम से एक एप्लीकेशन कीजिए, एप्लीकेशन में आपका बिजनेस का नाम पता, किस चीज़ का बिजनेस है आपको, आपका जो ऑफिस का कितना बड़ा एरिया है आपका ऑफिस वो डालना पड़ेगा, आपका खुद की फ़ोटो आईडी एक के साथ एक छोटा, बस एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है, 400 या 500 रुपये के अंदर ही कुछ एप्लीके फीस लगता है, वो फीस देकर आपको एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा।
उनका जमा करने के एक हफ्ते के अंदर ही आपको ट्रेड लाइसेंस। दोस्तों ट्रेड लाइसेंस बनने के बाद आपको नेक्स्ट जो काम है जीएसटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाय का बिजनेस आप कहीं भी बैठ के ऑल इंडिया बेसिस से बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको जीएसटी बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको बिजनेस को अगर आप बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं या बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको जीएसटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जीएसटी दो तरीके होते हैं दोस्तों, कॉम्पोजिट जीएसटी, जीएसटी पंजीकरण, और कॉम्पोजिट मतलब जो अपना स्टेट के अंदर जो बिजनेस होगा वो, और एक होता है रेगुलर जीएसटी पंजीकरण जो पूरा इंडिया के लिए है। तो आप अपना स्टेट से मैं बैठ कर दूसरा स्टेट में भी माल बेच सकते हैं, या आप इंडिया मार्ट के जरिए, ट्रेड इंडिया के जरिए अपना वेबसाइट बना के किसी भी तरीके से आप अपना स्टेट से अदर स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं अपना बिजनेस बहुत बड़ा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चाय पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय प्रोडक्ट है, इसलिए रेगुलर जीएसटी मैं बोलूँगा आप रेगुलर जीएसटी का पंजीकरण ज़रूर कराए आपका बिजनेस में तरक्की के लिए। लेकिन आप अगर छोटे पैमाने में शुरू करना चाहते हैं तो आप कंपोजिट जीएसटी कराइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक करंट अकाउंट की ज़रूरत है। आप अपने फार्म के नाम से अपना जो ब्रांच है आप उधर ट्रेड लाइसेंस बनाइए बिजनेस। दोस्तों अब आता हूँ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप ध्यान से समझिए। मान ऐसे तो एक कप चाय सीटीसी चाय बनाने के लिए 2.5 GM चाय लगती है। तो एक आदमी मान लीजिए 2 कप चाय पीता है दिन में, तो उनके लिए एक आदमी के लिए आप कैलकुलेशन कीजिए 5 ग्राम चाय एक दिन का लगता है एक आदमी के लिए। तो चाय का जो कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन आपको इसी बेस पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका मान लीजिए आपका शहर में 1 लाख आदमी रहता है तो 1 लाख आदमी का जरूरत रिक्वायरमेंट कितना रहता है एक दिन का 1 लाख × 5 ग्राम, ठीक है। तो और एक बात आपको देखना पड़ेगा, आप अकेला बिजनेसमैन नहीं है जो उस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे बड़े बड़े होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे बहुत बड़े ब्रांड का चाय भी होता है, छोटा मोटा सप्लायर भी है, तो आपको उनसे भी फाइट करना पड़ेगा, उनसे भी कंपटीशन करना पड़ेगा। तो आप शुरू है, आपसे तो पहले कोई चाय नहीं, इतना इजीली कोई नहीं लेगा आपसे, तो आप कितना करेगा मैक्सिमम, आप पहला महीना में आपको अगर मान लीजिए 5% मार्केट आपको मिल जाएगा, यानी 1 लाख पॉपुलेशन है और आपको 5% कस्टमर आपको मिल जाता है, 25 kg per day आप बेच पाएंगे। अगर 5% मार्केट मिला आपको 25 kg डेली का रिक्वायरमेंट रहेगा आपका, और वैसे इसी तरीके से आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट महीना 7% होगा, उसका नेक्स्ट महीना 10% बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा। मान लीजिए आपका तीसरे महीना आपका 10% आपको मार्केट मिल गया, तो यानी आपका एक दिन का 50 kg चाय जरूर। इसी हिसाब से आप मंथली कैलकुलेशन कीजिए, कितना दिन का माल लेके उतरेंगे। आप अगर 1 महीना का माल खरीदना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं, तो आप 1 महीना अगर 25 किलो है तो आपको 25 किलो का आवश्यकता एक दिन का है, तो आप 30 दिन में आपको 750 किलो लगेगा। तो आप वो 1 महीना का माल 10 दिन का या 5 दिन का या 15 दिन का भी इन्वेस्टमेंट लेके उतर सकते हैं। दोस्तों और एक बार याद दिला रहा हूँ आपको, ये बिजनेस पूरा समझने के लिए आपको मेरा एक पहला वीडियो चाय पत्ती का बिजनेस देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बिजनेस क्या है। तो मैं पार्ट टू, ये जो है बिजनेस चाय पत्ती का बिजनेस का पार्ट टू है दोस्तों, पूरा सही से सीखने के लिए आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं बताऊंगा प्राइमरी सेकेंडरी और रिफोसिस चाय क्या है। दोस्तों अक्सर आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी और रिफोसिस चाय क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा चाय क्या है, क्या खरीदूं। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो प्राइमरी टी बताऊंगा। दोस्तों प्राइमरी टी जो है चाय का जो पत्ता पहले आता है गार्डन से, वो पत्ता सबसे पहले प्रोसेस करके जो चाय बनता है वो प्राइमरी टी, और जो वो सबसे अच्छा क्वालिटी का चाय होता है। सेकेंडरी चाय जो है, प्राइमरी चाय
से जो अलग किया जाता है उसका साइज क्वालिटी और गुणवत्ता को देख के उसको प्राइमरी ट्री से अलग किया जाता है। जो रेस्ट जो रहता है वो सेकेंडरी ट्री है, और सेकेंडरी ट्री से अलग करके अलग फिर नया प्रोसेस करके उसको रिप्रोसेस किया जाता है सेकेंडरी ट्री को, वो बन गया। उसके बाद जो चाय बनता है वो रिप्रोसेस ट्री है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा प्राइमरी ग्रेड ऑफ टी परचेस। दोस्तों टीसी ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन टी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आप किस चाय का व्यापार करना चाहते हैं वो आप आगे समझ के आप शुरू कर सकते हैं। ऐसे तो BOPL जो सीटीसी चाय का सबसे बड़ा आकार है। सुगंध में अच्छा है लाल रंग का चाय, लेकिन छोटे ग्रेड की तुलना में स्वाद में हल्का है। उसके बाद आता है दोस्तों BPS। ये चाय आकार में BOPL के बाद आता है, लेकिन आमतौर पर BOPL से बेहतर होता है। ये BOPL की तुलना में बेहतर रंग, बेहतर लिकर और पर्याप्त सुगंध देता है। नेक्स्ट आता है BOP। ये आकार में BOPS के बाद आता है, लेकिन लिकर आमतौर पर BOPL से बेहतर होता है। ये BOPL की तुलना में बेहतर रंग, बेहतर लिकर, बेहतर स्वाद और बेहतर सुगंध देता है। अब जो नेक्स्ट है BOPSM आकार में आकार के अनुसार ये BOP के बाद आता है। इसके लिकर और स्वाद दोनों शामिल है। वास्तव में अधिक स्वाद है। ये घरेलू उपभोक्ता के बीच लोकप्रिय बहुत ज्यादा है। जैसे BOPSM और BP आकार में बस एक जैसा ही है। दिखने में आकर्षक लिकर कड़क लिकर है और अच्छी सुगंध होती है। घरेलू उपभोग ये चाय हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और होटल रेस्टोरेंट में ये चाय यूज होती है BP चाय। अब जो नेक्स्ट चाय है BPSM। इसमें भी लिकर और साथ दोनों शामिल है। BP से छोटा है, बड़े होटल घर में बहुत फेमस है। बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट। और दोस्तों नेक्स्ट जो है ओएफ का साइज जो है बहुत लोकप्रिय, बहुत आकर्षक साइज है, और ये देखने में बस BP और BPSM के जैसे ही दिखता है। लिकर इसका लिकर जो है कड़क लिकर है, और सभी होटल रेस्टोरेंट और हाउस होल्ड में भी ये यूज होता है। अब जो नेक्स्ट चाय है PD। नेक्स्ट जो है PD दोस्तों वेव से छोटा और डास्ट से थोड़ा बड़ा साइज का है। अब जो आखिरी जो साइज है वो डास्ट है। डास्ट सबसे छोटा साइज है, और ब्लास्ट का खास बात यह है कि ये सबसे जल्दी लिकर छोड़ता है और स्वाद में बहुत कड़क है। छोटा छोटा दुकान जैसे रास्ता में फुटपाथ में जो दुकानदार लोग हैं जो अपना ईंधन बचाना चाहते हैं, उन लोग डस्ट यूज करते हैं। और डस्ट का यूज और देख सकते हैं आप दूसरी ट्रेन में या कहीं भी आप जाएंगे तो आप देखिए छोटा छोटा इतना छोटा पाउच में भर के कागज में छोटा सूता में जो बांध के जो बेचता है वो इसी में चाय डस्ट यूज होता है। चाय कप में खोल के जब पीते हैं ना वो डस्ट चाय से ही बनता है। अब बताऊंगा दोस्तों चाय का परचेस के बारे में, आप परचेस कैसे करेंगे चाय। तो चाय परचेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको लोकल एरिया आपको सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। आप जिस एरिया में बिजनेस शुरू करेंगे उसी एरिया में आपको 2-4-5 बहुत बड़े बड़े या छोटे होलसेलर मिल जाएंगे। आप उधर जाइए, उधर से आप उनको उनसे सैंपल कलेक्ट कीजिए। उनको बोलिए कि सबसे अच्छा चाय जो बिकता सबसे ज़्यादा है
वो चाय का सैंपल दीजिए थोड़ा। आप बताइए मत क्या बिजनेस शुरू करने वाला है, तो वो आपको अच्छा माल नहीं देगा, खराब माल देके आपको छोड़ देगा, कुछ गलत समझा देगा आप। तो आप बताइए जो ज़्यादा चलता है वही चाय दीजिए, मुझे वही चाय पीना है। तो उनसे सैंपल दो चार दुकान पांच दुकान से होलसेलर से आप सैंपल कलेक्ट कीजिए। दूसरा जो आप सबसे भीड़ भट्टे वाले एरिया जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर या मेन जो सड़क है हाईवे के पास जो बड़े बड़े दुकान है, बड़े दुकान छोटे दुकान सब दुकान विजिट कीजिए। बहुत दुकान 8 10 20 दुकान विजिट कीजिए, उनसे भी बात कीजिए कौन सी चाय यूज करते हैं, कौन सी ग्रेड की चाय यूज करते हैं। उनसे भी अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा सैंपल लीजिए, बात कीजिए कि दोस्त सर मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, ऐसे जो चाय बेचता है बना के उनसे उनको बोलिएगा आपका बिजनेस के बारे में, जो होलसेलर है उनको मत बोलिए कि आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो जो चाय बेचता है बना के उनसे बोलिए कि सर मुझे थोड़ा सैंपल चाहिए, मैं भी शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं आपको अच्छा रेट में माल दूंगा, आप सैंपल दीजिए, मैं अपना सैंपल ला के दूंगा। तो उन लोग से भी आप थोड़ा थोड़ा सैंपल लीजिए, सैंपल लेके आपका जो बहुत आपका जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा दुकान है आपका स्टेट में, जैसे आप अगर वेस्ट बंगाल में होंगे तो आपको कलकत्ता से माल मिल जाएगा, सिलीगुड़ी से मिल जाएगा। आप अगर दूसरे स्टेट में हैं तो आप कोशिश कीजिए टी स्टेट से, यानी कलकत्ता सिलीगुड़ी या आसाम से चाय खरीदने के लिए। तो आप उन स आपके पास जो सैंपल है वो सैंपल लेके आप कलकत्ता आइए, सिलीगुड़ी आइए, आसाम जाइए, तो उधर आपका सैंपल शो कीजिए, बोलिए मुझे मेरा एरिया में लोकप्रिय यही चाय है, ये क्वालिटी है, ये क्या क्वालिटी है मुझे मालूम नहीं है, बस इस क्वालिटी की चाय चाहिए, इसका प्राइस क्या है। आप उधर से भी थोड़ा आपको सर्वे करना पड़ा, अलग अलग बहुत बड़े बड़े सप्लायर हैं, सप्लायर से आपको रेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको मार्केट रिसर्च करके आपको आप अगर उतरेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, आपका बिजनेस चल जाएगा। दोस्तों अब आपका सैंपल क्या क्वालिटी का है, कौन से ग्रेड का है, आप अगर समझ जाएंगे तो आप बड़ा बड़ा होलसेलर से भी आप क्वालिटी के अनुसार प्राइस देख के आप खरीद सकते हैं, या आप इंडिया मार्ट से भी मंगा सकते हैं। अगर आप कलकत्ता आसाम सिलीगुड़ी नहीं आ सकते हैं तो आप इंडिया मार्ट से भी माल मंगवा सकते हैं। ऐसे तो आपको अच्छा सीटीसी चाय आपको 90 रुपये से स्टार्ट है, आपको 90 रुपये में भी चाय मिलेगा 1 किलो, 120 रुपये मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा, 170 रुपये मिलेगा, 180 200 रुपये तक का चाय आपको बहुत बढ़िया चाय आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आप 90 रुपये का कुछ चाय लीजिए, मैं ये आपको डिटेल्स मेरा पहला वीडियो में आपको मिल जाएगा, कितने की चाय आपको खरीदना चाहिए, कितना मिल जाएगा आप, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ आपको, उसके लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा। मैं उसमें मैंने आपको बताया चाय का प्राइस बताया, जो होलसेलर से आप खरीदेंगे क्या चाय खरीदेंगे आप कितना आपको मिलेगा, मैं वो वीडियो में बताया, तो आप उस आप वो वीडियो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। उधर आपको 90 रुपये 150 रुपये 180 160 रुपये आप होलसेल प्राइस आपको मिलकर उसको अलग से मिक्स करके आप कैसे मिक्स करेंगे, कैसे सीलिंग करेंगे, कैसे पाउचिंग में भरेंगे, आप मैंने पूरा डिटेल्स समझाया आपको, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद आपको तो पर पिछला वीडियो में भी मिल जाएगा आप सीलिंग मशीन, ये सीलिंग मशीन से मैं आप पाउच भर के सीलिंग करके आप बेच सकते हैं, या आप पैकेट में गार्डन लगा के आप बेच सकते हैं। शुरू में तो दोस्तों बिना ब्रांड का सीलिंग करके बेचना नहीं चाहिए आपको, सीलिंग करके आपको शुरू में आप एक काम कीजिए, एक पाउच में भर चाय भर के उसमें गार्डन लगा के आप बेचिए। अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो आप अपना ब्रांड बनाइए, अपना फसाए FSSAI लाइसेंस लीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ आप डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो अपना जो पाउच है आपका ब्रांड पाउच में अपना ब्रांड लगा के आप बेचिए सीलिंग करके, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर बिना ब्रांड का सीलिंग कर सकते हैं, पाउच को सील करके बेच सकते हैं, तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और ब्रांड वाला अगर बेचना चाहता है तो आपको कलकत्ता में बहुत छोटा मोटा ब्रांड मिल जाएगा जो लीगल है, जो जिसका फसाई लाइसेंस लगा हुआ है, आपको इजीली वहाँ से लेके लोग अच्छा कमीशन से देता है आपको, उसमें आप 20 से 50% तक प्रॉफिट रख के भी बेच सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो दूसरा का ब्रांड हो गया, आपका ब्रांड नहीं है। अब उसका अगर ब्रांडेड माल बेचना चाहते हैं तो उन लोग से ब्रांड लेके भी बेच सकते हैं, नहीं तो अपना ब्रांड अगर लगाना है तो आप पूरा लाइसेंस के साथ सील करके बेचिए, मेरा यही सजेशन होगा।
अब दोस्तों मार्केटिंग के लिए सेलिंग के लिए मैं बताऊंगा। सेलिंग करने के लिए आपको आपको तो आइडिया आपको पता है कहाँ बेचना है, आपको टारगेट करना है, आप कितना बेचना चाहते हैं। तो आप अगर मान लीजिए 25 केजी पर डे का बेचना चाहते हैं तो 25 दुकान तो आपको पास नहीं लेगा, आपको घूमना पड़ेगा कम से कम 500 दुकान 1000 दुकान आपको घूमना पड़ेगा, 200 दुकान 400 दुकान विजिट करके सबसे मार्केटिंग करना पड़ेगा सबको। आपको सैंपल पहले आप सैंपल टेस्ट करा के बेच सकते हैं, या आपको आप आधा आधा किलो का पाउच बना के आप दे सकते हैं, रखिए इसको बेचिए, अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट मैं माल बेचूंगा आपको, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा, ऐसे करके माल बेचिए। सेलिंग करते हुए दोस्तों आपको सबसे पहले अच्छा ड्रेस अच्छा पहनना पड़ेगा, मुंह में खैनी गुटका वुटका मत रखिए, मुंह अच्छा से साफ कीजिए, दुकानदार के पास जाइए अच्छा से शरीफ होकर बात कीजिए, कोशिश किए ज़्यादा से ज़्यादा दुकान विजिट करने का, जितना ज़्यादा विजिट करेंगे आपको 10% भी अगर मिल जाएगा तो, अगर 1000 दुकान आप विजिट करते हैं आपको 10% मतलब 100 दुकान मिल जाएगा, 100 दुकान मतलब आपको दिन में 50 से 100 किलो का माल आपको इजीली बिक्री हो जाएगा, और 100 किलो और 50 किलो अगर माल आप बेच देते हैं तो एक पैकेट में आप 50 रुपये मान लीजिए तो आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, 50 नहीं एक पैकेट में 30 रुपये 20 रुपये भी अगर प्रॉफिट रख सकते हैं तो आप सोच लीजिए आप कितना कमा लेंगे आप। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप दोस्तों मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, अच्छा कोई इंक्वायरी रहे तो कमेंट करना, मैं सबको रिप्लाई करूंगा, और अगर बिजनेस के लिए कलकत्ता आना चाहते तो मैं कलकत्ता से भी आपको मदद हेल्प कर दूंगा कहाँ से ख़रीदना है, अगर माल अदर स्टेट में हो कहीं भी हैं आप तो माल अगर परचेस भी करना है तो मैं वो भी हेल्प कर सकता हूँ आपको। तो दोस्तों मेरा वीडियो जरूर देखना, पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो देखना, हमारा पहला वाला वीडियो देखना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगा जो कलकत्ता से आपको टी बोर्ड एरिया जहाँ टी ऑक्शन होता है मैं वो एरिया दिखाऊंगा, वहाँ का बड़ा बड़ा होलसेलर जो बड़ा बहुत बड़े बड़े डीलर है मैं उनसे बात करवाऊंगा, एरिया लोकेशन पूरा दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों और ये वीडियो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली नहीं मिलेगा।